बीच रहा हूँ। मधुबनी पेंटिंग आर्टिस्ट, मिथिला पेंटिंग मेरी सबसे बड़ी पहचान रही है। आज करीब 9-10 साल हो गए जब मैंने ये शुरुआत किया। इसके पहले मैं एक हाउसवाइफ थी, बच्चों को बड़ा किया, उसके बाद काफ़ी समय निकलने लगा, मैंने अपने हॉबी को रीस्टार्ट किया। 2009 से मैंने इस हॉबी को फिर से शुरुआत की और उसके बाद से हस्बैंड और घर वालों ने बोलना शुरू किया कि घर में पेंटिंग्स कितना रखोगी बना बना के, उसको एग्जिबिट करना स्टार्ट करो। फिर मैंने एग्जिबिशंस करने शुरू किए। पहली एग्जिबिशन मेरी बोकारो में 2013 में हुई थी, आरंभ नाम का सोलो एग्जिबिशन था और वो काफ़ी सक्सेसफुल हुई। उसके बाद फिर मैंने रांची में लगाया JSEA स्टेडियम में, सोलो एग्जिबिशन था वो भी, वन डे मैच था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का और वो इतनी सुपरहिट हुई वहाँ पे एग्जिबिशन, सारे मीडिया वाले वहाँ आए, वो अपने आप में एक नई चीज़ हो गई वहाँ पे, काफ़ी अप्रिसिएशन मिला। उसके बाद BCCI ने उसे बोला भी कि इसे हॉल ऑफ फेम के नाम से अब करेंगे और वहाँ पे एग्जिबिशंस हुआ करेंगी। फिर मैंने बॉम्बे में लगाया सोलो एग्जिबिशन, वो भी मेरी काफ़ी सक्सेसफुल हुई, 6-7 पेंटिंग्स मेरी पहले राउंड में निकल गई। उसके बाद से इतनी इनकरेजमेंट मिली कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और अब ये मेरा 36th एग्जिबिशन है। उसके पहले मैंने ग्रुप शोज़ किए, वर्कशॉप्स किए हैं काफ़ी, आर्ट फेस्टिवल्स किए हैं और ये मेरा 36th एग्जिबिशन है। शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 9 साल में 36 एग्जिबिशंस कर लूँगी और इंडिया अब्रॉड हर जगह मेरे एग्जिबिशन हो चुके हैं। अब ललित कला के एग्जिबिशन मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। ऑफ कोर्स बहुत दिनों से चाह रही थी ललित कला में एग्जिबिशन हो और ये आया तो काफ़ी खुश हूँ और आई होप कि काफ़ी सक्सेसफुल होगा। मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत ही भगवान और देवी देवताओं से है। जैसे कि आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, ये रामायण के समय से चली आ रही है। पहली मधुबनी पेंटिंग का उल्लेख मिलता है सीता विवाह के समय में, उनके विवाह के समय में महल को सजाया गया था मधुबनी पेंटिंग से, तब से यह चला आ रहा है। तो लेकिन आप मेरी पेंटिंग्स में आप थोड़ा सा चेंजेस देखेंगे और भी, आप नेचर रिलेटेड भी देखेंगे, थोड़े ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी देखेंगे, जो चेंजेस मैंने लाने की कोशिश की है मधुबनी पेंटिंग में, जो ट्रेडिशन है जो चली आ रही है उससे थोड़ा हटकर मैंने कोशिश की है बनाने की। और आप देखेंगे कि कुछ कलरफुल पेंटिंग्स भी हैं, मैंने फ्लोरोसेंट कलर्स के साथ भी इसको कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की है। जैसे मधुबनी पेंटिंग्स आप देखेंगे बिल्कुल ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल होता है, मेरी पेंटिंग्स में आप ब्लैक एंड वाइट भी देखेंगे, फ्लोरोसेंट कलर्स का भी यूज़ देखेंगे। तो ये सब कुछ चेंजेस मैंने शुरुआत की है। नमस्ते, आज मैं यहाँ पर इंदू जी की इस एग्ज़िबिशन में आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत एग्ज़िबिशन है, मधुबनी स्टाइल में बनाई हुई बहुत अलग तरह की कलाकृतियाँ आपको दिखेंगी। उन्होंने इसमें कई जगह एक्सपेरिमेंट भी किया है और ये जिस पेंटिंग के सामने मैं खड़ी हुई हूँ, अब इस तरह का काम ये इंदू जी ही करती हैं, नहीं तो साधारणतः पूरा फिलअप कर दिया जाता है, तो ये बहुत अलग है। और एक बात जो इंदू जी से बात करके मुझे आज पता चली वो ये था, उन्होंने कहा कि महाभारत और रामायण की कथाएं तो हर मधुबनी में उकेरी जाती हैं, पर मैं चाहती हूँ उसके आगे कुछ करूँ। जब तक कुछ नया नहीं होगा तो लोग कैसे इसके बारे में जानेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक्सपेरिमेंट कर रही हैं वो और बहुत अच्छी दिशा में एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। और इसके लिए इंदू जी आपको बहुत बहुत बधाई और मैं चाहती हूँ आप ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते जाएं और सुंदर सुंदर चीज़ें हम लोगों के सामने रखें। बिल्कुल बिल्कुल।